हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रिपरेशन सेंटर। आज की वीडियो में मैं आपको बायोलॉजी 10th क्लास के इम्पोर्टेंट गेस्ट पेपर और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में गाइड करूंगा। अगर आप ये गेस्ट पेपर अच्छी तरह से तैयार कर लेंगे तो यकीनन आपके 60/60 नंबर आएंगे, 100% नंबर बायोलॉजी के पेपर में आएंगे। बायोलॉजी के पेपर में नंबर लेना इतना मुश्किल नहीं होता क्योंकि स्टूडेंट इसको बहुत ही ज़्यादा टफ सब्जेक्ट समझते हैं, इसलिए उनके नंबर इसके अंदर नहीं अच्छे आते। आप इस गेस्ट पेपर को लाजमी तौर पर तैयार करें। मैं आपको बताता हूँ, इसके अंदर MCQs भी हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी हैं, लॉन्ग क्वेश्चन, तीनों पोर्शन के क्वेश्चन हैं। आप इस गेस्ट पेपर को लाजमी तौर पर तैयार करें और इंशाल्लाह आपके 100% नंबर आएंगे। सबसे पहले जो फर्स्ट पेज पर ये पेरिंग स्कीम है बायोलॉजी की, ये यकीनन आपको पता होगा कौन कौन से चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन आना है, कौन से चैप्टर में से शॉर्ट क्वेश्चन आना है। अगर आपको नहीं पता आप फिर भी यहाँ से देख सकते हैं, और साथ साथ आप ये क्वेश्चंस को लाजमी तौर पर नोट करी जाइए और इसमें जो MCQs हैं उसको लाजमी तौर पर सॉल्व करके जाइए, क्योंकि बायोलॉजी में MCQs जो होते हैं उन वो तकरीबन टफ थोड़े से आते हैं, मोस्टली बुक्स की लाइन होती हैं। अगर आपने बुक को अच्छी तरह से रीड किया है, बुक की हर एक लाइन को पढ़ा है, तो आपके MCQs में यकीनन पूरे नंबर आएंगे। ये MCQs हैं, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, आपने इसको लाजमी तौर पर प्रिपेयर करना है। दोनों इंग्लिश में भी यहाँ पर MCQs गिवन है और उर्दू में भी गिवन है। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, आप इंग्लिश मीडियम के मार्क करें, और उर्दू में भी यहाँ पर लिखा गया है। टोटल तकरीबन 85 MCQs हैं। अगर आप MCQs ये कर लेंगे इंशाल्लाह इसी में से MCQs आएंगे। टोटल आई थिंक 11 MCQs आने होते हैं, इंशाल्लाह इन्हीं 85 MCQs में से आपके आएंगे। जो भी इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट पिछले बोर्ड में जो MCQs आए हैं वो इस गेस्ट पेपर में शामिल किए गए हैं, और जो इस साल आने के चांसेस हैं वो भी इस गेस्ट पेपर में शामिल किए गए हैं। यहाँ पर आपके आके MCQs आपके कंप्लीट हो जाते हैं। फिर उसके बाद जो आपका जो मेजर पार्ट शुरू होता है शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन का, शॉर्ट क्वेश्चन भी जैसे यहाँ पर दिए गए हैं, ये सारे के सारे शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर वाइज है, जो जिस चैप्टर में से इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो यहाँ पर दिए गए हैं। जैसे पहले चैप्टर के हैं ये फेरेंग्स, निकोटीन एंड पैसिव स्मोकिंग, और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है स्टोमेटा और लेंटिसल के दरमियान डिफरेंस, और ब्रीदिंग और सेलुलर रेस्पिरेशन के दरमियान डिफरेंस, ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इसी तरह जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो यहाँ पर गिवन है। टोटल 102 शॉर्ट क्वेश्चन हैं। आप पहले अपनी अच्छी तरह से प्रिपरेशन करें, फिर उसके बाद इस गेस्ट पेपर को अच्छी तरह से रीड आउट करें, इसके MCQs को सॉल्व करें, फिर उसके बाद इसके शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ आएँ। शॉर्ट क्वेश्चन में वो वाले शॉर्ट क्वेश्चन देखें जो आपको नहीं आते, जो आपको शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आते उसको अच्छी तरह से याद करें, फिर इस तरह आपकी बायोलॉजी के पेपर में अच्छे मार्क्स आएंगे और आपकी बायोलॉजी के सब्जेक्ट में ग्रिप बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। आप इस वीडियो को पॉज कर कर शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पर निशान लगा लें अपनी बुक पर। ये देखिए टोटल 102 शॉर्ट क्वेश्चन है जो मैंने आपको ये दिखाए हैं। ये गेस्ट पेपर द एम्बिशियस एकेडमी की तरफ से है। उसके बाद एक्सटेंसिव क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन का हिस्सा शुरू होता है। लॉन्ग क्वेश्चन भी तकरीबन से ही है, अगर आप इनको अच्छी तरह से देख लेंगे तो इंशाल्लाह आपके लॉन्ग क्वेश्चन में भी अच्छे मार्क्स आएंगे। इस गेस्ट पेपर को इतना हल्का ना लें, इसको लाजमी तौर पर प्रिपेयर करें, क्योंकि इंशाल्लाह इसी में से आपके क्वेश्चन आएंगे। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो इस गेस्ट पेपर में शामिल है। ये देखिए दो दो चैप्टर के पेयर्स के लॉन्ग क्वेश्चन इम्पोर्टेंट बताए गए हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 7 है, इसका जो भी पेयर है जिसके साथ भी पेयर है वो जहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन गिवन है, इस तरह जो भी आपने पेयर करना है वो आप तैयार कर सकते हैं। एंड पे एक पेज जो कि शॉर्ट क्वेश्चन में मिस हो गया था, आप नंबरिंग दी गई है, आप वहाँ से करेक्शन कर लें।
इस तरह यहाँ पर आकर आपका गेस्ट पेपर कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करें और इसको हर स्टूडेंट के साथ शेयर करें। उम्मीद करता हूँ कि आपका कल का पेपर बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। आप इन शॉर्ट क्वेश्चन को एक दफ़ा लाजमी तौर पर प्रिपेयर करके जाइएगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।